हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। दोस्तों 1999 में कारगिल वॉर चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि युद्ध यहीं पर रोक दीजिए, पूरा पैकअप कर दीजिए, वरना पाकिस्तान आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि ठीक है जी, मैं 15-20% भारत को राइट ऑफ करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भी आपको वचन देता हूं कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी भारत का 10-15% हिस्सा तबाह कर सकता है, लेकिन वहीं अगर भारत चाहे तो पूरा का पूरा पाकिस्तान वर्ल्ड मैप से गायब करवा सकता है। ये कैपेबिलिटी है भारत की। लेकिन उसके बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान की सेना हो, वहाँ के बड़बोले मिनिस्टर्स हो या फिर वहाँ का घटिया मीडिया हो, ये सारे लोग मिलकर भारत को लगातार धमकाने की कोशिश कर रहे थे। छोटी सी छोटी बात को लेकर इस तरह से धमकाने की कोशिश करते थे मानो भारत एकदम बच्चा ही हो। लेकिन दोस्तों आज आपने नोटिस किया होगा कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से एक स्ट्राइक कर दी है पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद भी पाकिस्तान की ये सारी मीडिया, वहाँ की सेना और वहाँ के बड़बोले मिनिस्टर ज़्यादा होशियारी नहीं दिखा रहे हैं और एकदम शांति की बात कर रहे हैं। आप भी 2-3 दिनों से अलग अलग वीडियोस पर ये सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही देखिए न्यूक्लियर राष्ट्र होने के बावजूद कितनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों की ही इस मामले को लेकर तारीफें की जा रही है। आप सभी जानते ही होंगे ना कि भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में जाकर गिरती है और वहां पर ब्लास्ट होती है। तो इन्हीं सबको लेकर कुछ फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं, या फिर आप थ्योरी कह दीजिए, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी वो सारी चीजें जिनकी सत्यता की कोई पुष्टि तो नहीं की जा सकती, लेकिन आप सुनने भर से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इन सारी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को कहीं से भी आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागी गई है ये एक्सीडेंटली फायर हुई है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक छोटा सा जवाब आया, वो भी इंसिडेंट्स हो जाने के 2 दिन के बाद, और कहा गया कि ठीक है ये गलती से मेंटेनेंस के दौरान फायर हो गई और पाकिस्तान के पॉपुलेटेड इलाके में जाकर गिर गई। लेकिन क्या ये सच्चाई है? अगर वाकई में ये एक्सीडेंटली हुआ होता तो फिर भला क्लेरिफिकेशन देने में 2 दिन क्यों लग जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर स्ट्राइक हुई है यानी पाकिस्तान में, वहां के भी DGISPR की तरफ से ये बात सामने तब रखी गई जब पूरे ऑलमोस्ट 24 घंटे बीत चुके थे। यानी वो लोग भी हैंड टू हैंड इस बात की शिकायत करते हैं ना दुनिया के सामने, लेकिन उन्होंने भी इतना पेशेंस क्यों रखा जबकि बाकी किसी भी मामले में वो लोग इतना पेशेंस नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर मामला डाउटफुल लगता है। और जो सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आई है वो इन 2 इमेजेस में आप देख पा रहे होंगे। ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये वो वाली ब्रह्मोस है जब इसका 7 तारीख को टेस्ट किया गया था, इस 7 मार्च को। मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था और ये उसी की इमेजेस है। ये जो फ्लैग देख रहे हैं ना आप, ये टारगेट था और इस फ्लैग को हिट करना था इस मिसाइल द्वारा। ये मिसाइल 200 किलोमीटर दूरी से दागी गई थी। आप देखिए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी शानदार है, एकदम फ्लैग के नजदीक ये जाकर गिरी है। अगर इस मिसाइल में वॉरेड होता जो कि टेस्ट के दौरान नहीं डाला जाता तो इस पूरे एरिया को ये तबाह कर देती है, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी ही कहलाती है। फ्लैग के एकदम नजदीक जाकर ब्रह्मोस मिसाइल गिरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मिसाइल को आप देखिए, ये पूरी एज इट इज मिसाइल है, डायरेक्ट जाकर जमीन में धस गई है। हो सकता है कि हर बार ये मिसाइल धसे नहीं, नीचे जमीन पर गिर जाए, थोड़े बहुत डैमेजेस हो जाए, लेकिन इस तरह की कंडीशन कभी नहीं आती। यानी जब वॉरेड नहीं होता मिसाइल में और तब आप कोई किसी मिसाइल को दागते और वो मिसाइल अपने टारगेट पर जाकर गिरती है तो उसका हाल कुछ इस तरह का होता है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल दागी गई थी, जो गिरी थी, वो कुछ इस तरह की कंडीशन में दिखाई दी हमें। इसका मतलब इस मिसाइल में वॉरेड था। आप देखिए ये ब्लास्ट हुई है और ये मिसाइल जो कि बिना वॉरेड की थी वो ब्लास्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये सारे दावे भी और ये सारी चर्चाएं भी समाप्त हो जाती है कि पाकिस्तान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। पाकिस्तान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसी कंडीशन में नहीं कर सकता। अगर इसमें वॉरेड नहीं होता, वो मिसाइल कुछ इस कंडीशन में गिरी होती, तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता था। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं है। यानी ये चीज़ भारत को भी पता थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अगर दागी गई बिना वॉरेड के तो वो इस कंडीशन में गिरेगी, और ऐसी परिस्थिति में इसका नाजायज फायदा पाकिस्तान और चाइना मिलकर उठा सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें वॉरेड डालकर फिर दागा गया है। यानी इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, केवल जो बातें स्प्रेड हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। दूसरी बात दोस्तों, इस मिसाइल को सेल्फ डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। यानी कई मिसाइलों को आपने सुना होगा ना कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। यानी आपने एक बार फायर कर दिया उसके बाद उस मिसाइल का कुछ नहीं हो सकता, वो टारगेट पर जाकर गिरेगी, स्ट्राइक करके ही रहेगी। लेकिन इस मिसाइल को लगता है आपको कि गलत डायरेक्शन में जा रही है तो आप हवा में ही इस मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल सिस्टम आपके पास होता है,
तो अगर ऐसी परिस्थिति की जब ये एक्सीडेंटली फायर की जाती तो आप रास्ते में ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, क्योंकि ये 3 मिनट तक और कम से कम 150 किलोमीटर तक भारत की टेरिटरी में ही रही, वहीं आप डिस्ट्रॉय कर सकते थे, आपके पास इनफ समय था। दूसरी बात, जब ये पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसती है वहां पर भी 150 से 300 किलोमीटर का ये ट्रेवल करती है, और सबसे बड़ी बात 3-4 मिनट के लगभग ये हवा में रहती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ये टारगेट पर जाकर गिरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी संदेह उत्पन्न होता है, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि इस मिसाइल को जानबूझकर ही दागा गया हो, कोई स्ट्राइक को ही अंजाम दिया गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हाँ, हो सकता है कि यह मिसाइल किसी स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने के लिए ही दागी गई हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, भला क्या इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? तो इन सब को लेकर जो चर्चाएं निकल कर सामने आई है वो आप जान लीजिए। सबसे बड़ी चर्चा ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स की पावर चेक करनी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि भारत की ब्रह्मोस को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का रोक नहीं सकता, और एक्चुअली नहीं रोक सकता, सुपरसोनिक मिसाइल कोई भी दुनिया की, उसे रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये आवाज़ की गति से 3 गुनी तेज चलती है, इसकी स्पीड ऑलमोस्ट Mach 3 है। तो ऐसी परिस्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज हमें चेक करनी थी, और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना की कैपेबिलिटी भी चेक हो जाती है, क्योंकि चाइना ने ही पाकिस्तान को अपने घटिया एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ाए हैं। इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम चाइना भी इस्तेमाल कर सकता है कि S-400 ठीक है रशिया से उसने खरीदा है, लेकिन हमारे खुद के वैज्ञानिक ने इस बात की भी पुष्टि की है कि हमारा S-400 भी ब्रह्मोस को नहीं रोक सकता। यानी यहाँ पर हमने दोनों चाइना और पाकिस्तान दोनों की ही डिफेंस कैपेबिलिटी को चेक कर लिया कि अगर इन फ्यूचर हम लोग कोई वॉर में फंसते हैं दोनों के खिलाफ तो ब्रह्मोस कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान के जो मैक्सिमम बड़े बड़े शहर हैं वो सारे के सारे इस मिसाइल के दायरे में आते हैं। एक कराची थोड़ा सा दूर ज़रूर पड़ता है, लेकिन फिर भी आप गुजरात में रहकर या फिर मुंबई पोर्ट से ही अगर अटैक करते हैं और ब्रह्मोस ER का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप गुजरात के किसी तटवर्ती इलाके से इस मिसाइल को फायर करते हैं यानी ब्रह्मोस ER को, तो 700 किलोमीटर की रेंज आपको चाहिए, आप कराची में स्ट्राइक कर पाएंगे। इसी के अलावा अगर आपको लाहौर के अंदर स्ट्राइक करनी है तो आप अमृतसर के इलाके से बड़ी आसानी से स्ट्राइक कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद में अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो आप कश्मीर के इलाके से कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वो सारे के सारे इसकी रेंज में आते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में कोई बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देना वाला हो और इस बात की इन्फॉर्मेशन भारत को लग गई हो, कोई इंटेलिजेंस मिल गई हो, तो ये सारी घटनाएं न घटी तो पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जाए और इसके तहत इस मिसाइल को टारगेट किया गया हो। खैर कोई भी कारण हो, यहाँ पर भारत ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि ये एक्सीडेंटली फायर हुआ है तो हम लोग आखिरी निर्णय उसी का मानेंगे। वैसे इसके ऊपर हाई इंक्वायरी कोर्ट ऑफ कमेटी बैठाई गई है, इसको लेकर जांच होगी। पाकिस्तान भी कई आतंकवादी हमलों को जो भारत में हुए हैं उनको लेकर निष्पक्ष जांच कर चुका है, तो हम भी निष्पक्ष जांच उसी की तरह कर देंगे। उसके बाद जो भी निर्णय आएगा वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो अफवाहें या फिर जो थ्योरीज घूम रही थी इर्द गिर्द वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।